नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कुमारी और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों से अब तक भाजपा से कई विधायक व मंत्री समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। वहीं आज कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के मंत्री दारा सिंह चौहान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह उत्तर प्रदेश के दूसरे मंत्री हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को कैबिनेट और बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। बताया जा रहा है कि राज्य के चार अन्य विधायकों ने भी उनके समर्थन में भाजपा को अलविदा कह दिया है। दारा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। दारा सिंह चौहान मधुबन सीट से विधायक हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार सभी दल पूरी ताकत लगा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में वन पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री दारा सिंह चौहान ने अपना इस्तीफे में लिखा है कि प्रदेश सरकार ने पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दारा सिंह चौहान ने सरकार के ऐसे रवैये से परेशान होकर इस्तीफा दे दिया है।